Hello everyone. So we're gonna continue the online classes from today. एक वीक का मैंने ब्रेक ली थी कि मैं भी असेस कर लूँ हाउ द सिचुएशन इज़ डिवेलपिंग और देखें कि फैकल्टी एक पेज पे आ पाती है रिगार्डिंग व्हाट इज़ द बेस्ट रिसोर्स और वे टू डिलीवर द ऑनलाइन लेक्चर्स. डिस्कशन इज स्टिल गोइंग ऑन बट आई एम गोना कंटिन्यू माय ऑनलाइन लेक्चर्स फ्रॉम नाउ और देखते हैं अगर मज़ीद हमें इंस्ट्रक्शन मिलती हैं हाउ टू मेक इट बेटर विल फॉलो दैट. तो हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो हमने चैप्टर 4 स्टार्ट किया था उसमें एंड वी टॉक अबाउट मूविंग बाउंड्री वर्क. ठीक है, फिर हमने बात की थी कि एरिया अंडर द पीवी डायग्राम क्या होता है, इट्स वर्क, वी कैन यूज इट टू कैलकुलेट बाउंड्री वर्क. और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की बात की थी जिसमें आइसोथर्मल जो केस था वो एक स्पेशल केस था. एनर्जी बैलेंस फॉर क्लोज स्टेशनरी सिस्टम हमने देखा था और उससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखी थी जिससे रिलेटेड मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था और क्वेश्चन ये था कि अगर मैं अपने कंट्रोल सिस्टम को यूजिंग हाइलाइटर पॉइंटर, दिस इज माय कंट्रोल सिस्टम, तो इंस्टेड ऑफ दिस अगर मैं अपना कंट्रोल सिस्टम सिर्फ वाटर को लूँ तो क्या फिर मेरे पास जो ये इक्वेशन थी क्या फिर भी सिमिलर ही आएगी, क्योंकि अभी तो मेरे पास ये एक रिजिड वेसल है और ये मूव नहीं कर रहा तो देयर इज नो वर्क डन, तो इसलिए यहाँ पे कोई वर्क डन नहीं है. पर अगर मेरा जो है सिस्टम वो ये वाटर होता तो क्या स्टिल वर्क डन जीरो होता, और इस केस में होता वो क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज़ीरो है एंड बाउंड्री वर्क डन इज वर्क मल्टीप्लाई बाय चेंज इन वॉल्यूम. तो यहाँ पे वॉल्यूम सॉरी प्रेशर मल्टीप्लाई बाय चेंज इन वॉल्यूम, तो यहाँ पे वॉल्यूम तो बेशक चेंज हो रहा है बट देर इज नो प्रेशर, देर इज नो रेजिस्टेंस जिसके अगेंस्ट वाटर फोर्स लगा के एक्सपेंड होता. ठीक है, तो इसलिए इस केस में देयर वॉज नो वर्क डन इवन इफ आर कंट्रोल सिस्टम वॉज दिस वाटर. ठीक, now we'll proceed. Have you not ever noticed that on a hot summer day the pool is cooler than the hot tiles? ठीक है, आप में से जिन लोगों ने swimming की होगी या वैसे किसी pool side का visit किया होगा तो you'll know कि water is cooler than the hot tiles या जो भी वो tiles लगी होती हैं around the pool. Or maybe that the ocean is cooler than the hot sand or even land. हमें पता है कि कराची जैसे एरियाज जहाँ पे हमारे पास सी या वाटर बॉडी है उसमें ब्रीज फ्लो करती है, यानी एक वक्त में हमारे पास लैंड ठंडी होती है और ओशन गर्म होता है और एक वक्त में हमारे पास ओशन गर्म होता है और लैंड ठंडी होती है, तो उसकी बेसिस पे ब्रीज फ्लो करती है. व्हाई द सन हैज़ बीन बीटिंग डाउन ऑन बोथ ऑफ देम फॉर द सेम अमाउंट ऑफ टाइम, इट टेक्स मोर थर्मल एनर्जी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर देन इट डज फॉर द सीमेंट. ठीक है, तो सूरज तो सिमिलरली दोनों के लिए निकला हुआ है, दोनों पे वो अपनी हीट फेंक रहा है, लेकिन डिफरेंट सब्सटेंसेस रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट टू रेज देयर टेम्परेचर. पानी को ज़्यादा चाहिए, लैंड को कम चाहिए, इसलिए ओशन जल्दी देर से गर्म होता है जब सन निकल आता है और आपके पास जो लैंड एरिया है वो जल्दी गर्म हो जाता है. सिमिलरली वो आराम से ठंडा होता है और लैंड एरिया जल्दी ठंडा हो जाता है. इसी तरह यहाँ पे हमारे पास जो वाटर है वो देर से गर्म होगा जबकि टाइल्स जल्दी हो जाती हैं. सो वाटर अब्सॉर्ब्स अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी बिफोर इट्स टेम्परेचर चेंजेस व्हाइल सैंड नीड्स लिटिल एनर्जी बिफोर इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस. तो ये हमारे पास जो सब्सटेंसेज हैं उनकी ये प्रॉपर्टी है. इंजीनियरिंग का क्या काम है, इंजीनियरिंग में हमारा मकसद होता है कि इन क्वांटिटीज़ को क्वांटिफाई करना, उनको एक प्रॉपर्टी का नाम देना और फिर उसको डिटरमिन करना जो कि हम अपनी कैलकुलेशंस में यूज़ कर सकें और इन द एंड हम कुछ वैलिड रिजल्ट्स निकाल सकें. तो इस क्वांटिटी का नाम है स्पेसिफिक हीट.
ठीक है, इट इज़ डिजायरेबल टू हैव अ प्रॉपर्टी डेट वुड एनेबल एस टू कंपेयर द एनर्जी स्टोरेज कैपेबिलिटीज ऑफ वेरियस सिस्टम, क्योंकि हर सिस्टम हर सब्सटेंस की अपनी एनर्जी स्टोरेज कैपेबिलिटी है. दिस प्रॉपर्टी इज द स्पेसिफिक हीट डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री. किसी भी सब्सटेंस का हमने जब टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से रेज करना है और उस सब्सटेंस की क्वांटिटी 1 kg है, तो जितनी उसे एनर्जी चाहिए दैट इज नोन एज स्पेसिफिक हीट. ठीक है, ऑब्जर्वेशन. डिफरेंट मटीरियल्स हीट अप एट डिफरेंट रेट्स. एल्यूमिनियम रिक्वायर्स 7 times मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू गोल्ड. ठीक है, एल्यूमिनियम इसलिए बहुत जल्द बहुत टाइम लगाता है हीटअप होते हुए. सेम टाइम में गोल्ड का टेम्परेचर 20 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड चला गया, पर एल्यूमिनियम का सिर्फ 20 से लेट्स से 30 गया. ठीक है, डिफरेंट मटीरियल स्टोर डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी. वाटर टेक्स अबाउट 30 times लॉन्गर टू हीट देन गोल्ड, मीनिंग इट स्टोर्स अबाउट 30 times मोर कैलोरीज. जितनी हीट देने पे गोल्ड 20 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच गया है, वाटर अभी लेट्स से 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही पहुंचा है. ठीक है, क्यों? क्योंकि वाटर को बहुत ज़्यादा हीट, दोनों को हमने इक्वल ही सप्लाई की है, पर वाटर को बहुत ज़्यादा हीट चाहिए एज कम्पेयर टू गोल्ड. टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक हीट. इन थर्मोडायनामिक्स वी आर इंटरेस्टेड इन 2 kinds ऑफ स्पेसिफिक हीट. स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर. अगेन आई एम प्रीटी श्योर कि आप अपने FSC या OL लेवल जो भी आप करके आए हुए हैं उसमें आप स्पेसिफिक हीट और इन सारे कॉन्सेप्ट अभी तक ओवरऑल थर्मो में हमने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो आप लोगों के लिए नए नहीं हैं, बट थर्मोडायनामिक्स में हम उनको ज़्यादा इन डिटेल पढ़ते हैं, उनकी एप्लीकेशन, उनको यूज़ करते हुए एक्चुअल रिजल्ट्स किस तरह निकाले जा सकते हैं वो ज़्यादा डिटेल में आ रहे हैं. और ऐसा नहीं है थर्मो में आप कोई नई चीज़ नहीं पढ़ेंगे, थर्मो 1 में आप जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे वो कहीं ना कहीं आपने पढ़ी हुई है, पर हर चीज़ मज़ीद डिटेल में पढ़ाई जाएगी, आपके कॉन्सेप्ट्स मज़ीद क्लियर किए जाएंगे. देन थर्मो 2 इज़ टोटली डिफरेंट, उसमें यही सारे कॉन्सेप्ट्स एक्चुअल जब सिस्टम्स एक्चुअल डिवाइसेस इंजन्स पावर जनरेशन एयर कंडीशनिंग में यूज़ होगी, तो दैट वुड बी टोटली न्यू. थर्मो 1 में कॉन्सेप्ट्स है एंड दे आर नॉट टोटली न्यू फॉर यू, बट आई होप कि उनको बेहतर एक्सप्लेन किया जा रहा होगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग मज़ीद डिवेलप हो रही होगी. दीन नेम टेल्स यू हाउ दे आर डिटरमिंड और मेजर्ड. ठीक है, आगे हम इसको डिटेल में देखेंगे, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो कि कॉन्स्टेंट वॉल्यूम और कॉन्स्टेंट प्रेशर का जो मकसद है वो यही है कि ये आप ये बता रहे हैं कि अगर मैंने किसी भी चीज़ की कॉन्स्टेंट जो है स्पेसिफिक हीट है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम डिटर्मिन करनी है तो मैंने किस तरह करनी है, कि मैंने उसको कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे हीट करना है. द नेम्स डू नॉट लिमिट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ देम टू आइदर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम और कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस. एक्चुअल मेरे पास प्रोसेस है वो ना कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है ना कॉन्स्टेंट प्रेशर, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उसमें CV या CP को यूज़ नहीं कर सकता. इट्स जस्ट दैट व्हेन आई हैव टू डिटरमिन दीज वैल्यूज आई हैव टू मेक श्योर कि मेरे प्रोसेसेस ये हों. स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एज द नेम इंप्लाइज द स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम कैन बी व्यूड एज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री एज द वॉल्यूम रिमेन कॉन्स्टेंट. ठीक है, वही स्पेसिफिक हीट आप डिटर्मिन कर रहे हैं पर आप वॉल्यूम को कॉन्स्टेंट रख रहे हैं. यू आर मेकिंग श्योर कि जो भी हमारा वेसल है वो रिजिड है. ठीक है, फॉर वाटर और एयर 3.12 kJ. आई गेस दिस इज द वैल्यू फॉर वाटर. इसी तरह अगर आप स्पेसिफिक हीट डिटर्मिन कर रहे हैं प्रेशर कॉन्स्टेंट रखते हुए, आप प्रेशर सॉरी इट्स नॉट वाटर इट इट वुड बी इट शुड बी एयर. अगेन आई एम नॉट श्योर व्हाट आर दीज वैल्यूज फॉर विच सब्सटेंस. ठीक है, तो उसको अभी हम दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस एनी वेज. इम्पॉर्टेंट इज कॉन्सेप्ट को समझना. तो स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज आपके पास एक वेसल है जिसमें एक मूवेबल बाउंड्री है, लेट्स से इट्स अ पिस्टन. अब मैं इसको हीट कर रहा हूँ, अब टू मेक श्योर कि प्रेशर डजेंट राइज मैं इसको अलाउ करूँगा कि वो एक्सपेंड हो सके ताकि प्रेशर कॉन्स्टेंट रहे ड्यूरिंग द हीटिंग प्रोसेस.
तो अब जो मैं इसको हीट सप्लाई करूंगा टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड विद हैविंग अ मास ऑफ 1 kg, तो अब मुझे 5.19 किलो जूल हीट देनी पड़ी है, ठीक है। Cp is always equal to or greater than Cv. For a gas, it is always greater. For liquid and solid, we'll see के उसमें क्या difference आ जाता है। क्यों? क्योंकि gas अगर आप देखें तो यहाँ पे हम volume constant रख रहे हैं and there is not boundary work being done. तो जितनी भी heat है वो temperature raise करने में use हो रही है, जबकि यहाँ पे a part of heat is being used to raise the temperature and a part is being used to do the work. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिस्टम इज डूइंग द वर्क बिकॉज सिस्टम इज एक्सपेंडिंग एंड इट इज डूइंग वर्क अगेंस्ट एटमॉस्फेयर और सराउंडिंग। जिस तरह बात की थी कि इंजीनियरिंग का मकसद यह है कि इन चीज़ों को क्वांटिफाई किया जाए और इनकी एक एप्लीकेबल फॉर्म बनाई जाए। तो फॉर स्टेशनरी एंड कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस एनर्जी इक्वेशन इज रिटन एज, हमारे पास वैसे कोर टर्म कौन सी होनी चाहिए, ये प्लस टर्म हम लिख देते हैं और यहाँ पे हम माइनस बाउंड्री वर्क वाली टर्म डाल देते हैं, वर्क या बाउंड्री वर्क, ठीक है, वर्क, लेट्स कॉल इट वर्क की टर्म डाल देते हैं। अब ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है और मेरे नज़दीक हमें एक और भी चीज़ कहनी चाहिए थी, फर्स्ट स्टेशन कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस for a, it's very difficult to write, simply compressible system, ठीक है, simply compressible system, क्यों, क्योंकि we have to make sure कि ये पूरी term neglect हो जाए। ये टर्म है, इसमें दो तरह के वर्क्स आ सकते हैं, एक बाउंड्री वर्क आ रहा है, ठीक है, और दूसरा कोई भी और वर्क आ सकता है जो कि बाउंड्री नहीं है, लेट्स इलेक्ट्रिक वर्क हो सकता है, शाफ्ट वर्क हो सकता है, दीज आर नॉट बाउंड्री वर्क, बाउंड्री वर्क इज एक्सपेंशन एंड कॉम्प्रेशन वर्क, ठीक है, एक्सपेंशन और कॉम्प्रेशन। तो फॉर स्टेशनरी एंड अ सिस्टम विदाउट एनी काइंड ऑफ वर्क, शायद हमारी एजम्पशन इस चैप्टर में हो कि ये पूरा चैप्टर ही हम ऐसे सिस्टम के लिए ले रहे हैं जो कि सिंपली कंप्रेसिबल है, पर मेरा नहीं ख्याल ऐसा है। तो हमारे पास लेट्स से द सिस्टम इज सिंपली कंप्रेसिबल एंड देन इट इज कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, इन दिस वे वी आर मेकिंग श्योर कि किसी भी तरह का कोई भी वर्क नहीं, ठीक है। तो अब इस केस में हमारे पास ये टर्म जीरो हो गई, सो वी हैव हीट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी बाय डेफिनेशन। अब हमारे पास कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में हमें पता है बाय डेफिनेशन हीट सप्लाइड इज इक्वल टू सी वी डेल्टा टी, ठीक है, कॉन्स्टेंट स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम की डेफिनेशन ही क्या थी, हीट सप्लाइड ड्यूरिंग अ constant volume process to raise temperature of a unit mass of a substance by 1 degree. और अगेन इस q को भी आई बिलीव सो हमें स्मॉल q लिखना चाहिए, इट इज स्पेसिफिक, ठीक है, कैपिटल q जब आएगा तो यहाँ पे मास भी आएगा, हम मास नहीं लिख रहे तो वी शुड राइट इट एज स्मॉल q सी वी डेल्टा टी। अब हमारे पास आ गया, हम अगर कंपेयर करें तो सी वी डेल्टा टी इज इक्वल टू डी यू एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम और सी वी इज इक्वल टू डी यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। इसी तरह फॉर स्टेशनरी एंड कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस एनर्जी इक्वेशन इज रिटन एज, स्टेशनरी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डेल्टा के ई प्लस डेल्टा पी ई की टर्म्स भी आनी थी जो कि हमने कैंसिल आउट कर दी थ्रू स्टेशनरी।
ठीक है, कॉन्स्टेंट प्रेशर है, तो हमारे पास ये हमारे पास एक टर्म आ गई हीट माइनस वर्क इज इक्वल टू डी यू। अब हम बाउंड्री वर्क कर सकते हैं, ठीक है, सो दिस इज नॉट जीरो इज इक्वल टू डी यू, हमारे पास एनर्जी इक्वेशन है सिंपल। बाउंड्री वर्क हम किस तरह लिखते हैं, पी डी वी, ठीक है, इसको अब रीअरेंज करके हमने क्या किया है कि प्लस पी डी वी को माइनस से इधर ले गए, तो ये प्लस पी डी वी हो गया। लेट मी गेट द पॉइंटर। बाय डेफिनेशन कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस में क्या है, हीट इज इक्वल टू सी पी डेल्टा टी, सही है। ये कितना है, हीट सप्लाइड पर यूनिट मास पर यूनिट टेम्परेचर टू अ कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस। कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस भी टिक हो गया, यूनिट टेम्परेचर तो नहीं, एक्चुअल प्रोसेस में मल्टीपल कोई भी टेम्परेचर रेज हो सकता है, तो हम उसको टोटल टेम्परेचर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और अगेन अगर हम इसको स्पेसिफिक ना ले रहे होते तो हम मैथ से भी मल्टीप्लाई कर रहे होते। लेट मी एक्चुअली एनोटेशन अगेन, जितना भी चीज़ें मैं राइट किया करूँगा उसको मैं डिस्कार्ड कर दिया करूँगा फॉर क्लैरिटी। आई थिंक आई शुड डू दिस एंड दिस, दिस इज स्मॉल क्यू, दिस इज स्मॉल डब्ल्यू, क्योंकि हम स्पेसिफिक वर्क की बात कर रहे हैं एंड हीट की, ठीक है। ये माउस से भी आई बिलीव सो कि आपको नजर आया होता है, वो सॉफ्टवेयर को हाईलाइट कर ही देता है। तो इन दिस केस आर हीट इज सी पी डी टी, इसी सी पी डी टी को मैं यहाँ पुट कर दूँ तो मेरे पास ये इक्वेशन यू बन जाएगी। नाउ वी नो चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू, इसके लिए पहले ये इक्वेशन लिखना जरूरी है, एंथैल्पी इज इक्वल टू एज यू गाइस वुड रिमेम्बर यू प्लस पी स्पेसिफिक वॉल्यूम, बिकॉज दिस इज स्पेसिफिक एंथैल्पी। और जब मैं इसका डिफरेंशियल लूंगा तो डी यू प्लस डी पी वी, अब डी पी वी पे अगर हम चेन रूल लगाएं, ये भी आप लोगों ने एफ एस सी अगेन या ए लेवल्स में देखा होगा कि डी पी वी इज इक्वल टू वी को मैं कॉन्स्टेंट रख लूँ और डी पी वी ले लूँ प्लस पी डी वी। अब क्योंकि एक कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, मेरे पास ये टर्म जीरो हो जाएगी, तो मेरे पास डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी आ गया, विच इज दिस डी यू प्लस पी डी वी। तो मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ सी पी डी टी इज इक्वल टू डी एच एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, और सी पी इज इक्वल टू पार्शल एच बाई पार्शल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। यहाँ पार्शल इसलिए है क्योंकि इट्स एज्यूम्ड कि एच माई नॉट बी अ फंक्शन ऑफ टी ओनली, ठीक है, बट खैर इट्स नॉट रियली इम्पॉर्टेंट राइट हियर। स्पेसिफिक हीट, नोट दैट सी वी एंड सी पी आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अदर प्रॉपर्टीज, दस दे मस्ट बी प्रॉपर्टीज देमसेल्व्स। सी वी को हम इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर के टर्म्स में करें हैं, सी पी को हम इंथैल्पी एंड टेम्परेचर के टर्म्स में करें, जो कि सारे स्टेट प्रॉपर्टीज हैं, तो सी वी एंड सी पी भी हमारे पास स्टेट प्रॉपर्टीज हैं, दे आर नॉट पाथ फंक्शन, दे आर प्रॉपर्टीज। लाइक एनी अदर प्रॉपर्टी द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन द स्टेट, इट इज स्पेसिफाइड बाई टू इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, दीज इक्वेशंस आर प्रॉपर्टी रिलेशंस एंड एज सच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइप ऑफ प्रोसेस, ठीक है। इधर भी हमें बताया जा रहा है कि सी पी एंड सी वी डज नॉट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द प्रोसेस, दे आर वैलिड फॉर एनी सब्सटेंस अंडरगोइंग एनी प्रोसेस। CV is related to the changes in internal energy and CP is to the changes in enthalpy. The only relevance CV has to a constant volume process is that CV happens to be the energy transferred to a system during a constant volume process per unit mass per unit degree rise in temperature. ठीक है, CV ऐसी चीज नहीं है जो कि सिर्फ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल है, इट इज जनरली एप्लीकेबल। हाउ एवर वेन वी डिटर्मिन सी वी, हम कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस कैरी आउट करवाते हैं और देख लेते हैं कि कितनी भी हीट हमने देनी पड़ी है
1 kg ऑफ अ सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करने के लिए। अदरवाइज जब हम इसको अप्लाई करते हैं इंटरनल एनर्जी से जो इसका रिलेशन है वो जनरल है, इसको आगे हम दोबारा भी देखेंगे। दिस इज़ हाउ वैल्यू ऑफ सी वी आर डिटरमाइंड, सेम इज ट्रू फॉर सी पी। अगर आप अभी भी कन्फ्यूज हैं तो अभी हम इसको आगे दोबारा एड्रेस करेंगे बिकॉज इट इज़ कन्फ्यूजिंग नो डाउट, लेकिन यू हैव टू बी क्लियर कि इसको मेजर करने के लिए हम कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस लेते हैं सी वी के लिए, पर इसका जो रिलेशन इंटरनल एनर्जी से है वो ड्यूरिंग कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस सिर्फ नहीं है, वो हर प्रोसेस के लिए। अगेन विल टॉक अबाउट इट लेटर एज वेल। इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ आइडियल गैसेस। जूल थॉम्सन जो वाला जूल था जो इस पे एनर्जी की हमने यूनिट रखी हुई है, ही कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट टू डिड्यूस कि जो इंटरनल एनर्जी है इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली फॉर एन आइडियल गैस। ठीक है, उसने कैसे किया ये, उसने ली एयर, ओवरऑल उसने एक टैंक लिया जिसमें वाटर भरा हुआ है, उसमें थर्मोमीटर जो कि वाटर का टेम्परेचर डिटरमिन कर रहा है, यहाँ पे उसने एयर ले ली, एक वैव लगा दी और ये इवैक्यूएटेड है, यहाँ पे प्रेशर इज नियरली ज़ीरो, इट्स अ वैक्यूम। इसने अब क्या किया, इसने खोल दिया ये वैल्व, खोला तो एयर एक्सपेंड करके यहाँ से यहाँ चली गई। ठीक है, अब इसने देखा कि जो थर्मोमीटर है इसने टेम्परेचर चेंज नहीं शो किया, जिसका क्या मतलब है कि यहाँ पे वाटर का टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, इसका क्या मतलब है कि जो ये मेरे पास ये मेरा सिस्टम है, ठीक है, जो मेरा सिस्टम है ना वो ये है, एक्चुअली नॉट दिस, आई एम रॉन्ग हियर, माई सिस्टम हैज़ अ मूवेबल बाउंड्री। सर हम ना कुछ भी ले सकते थे लेकिन जो उसने सिस्टम लिया था हम उससे बात करेंगे। कम ऑन, दिस इज माई सिस्टम, बट ये मेरा सिस्टम फिक्स्ड नहीं है, इट हैज़ अ मूवेबल बाउंड्री। तो दिस एयर इज माई सिस्टम, जब एयर यहाँ तक है तो मेरा सिस्टम ये है, जब वो एक्सपेंड होके सारा कवर कर लेगा तो मेरा सिस्टम ये हो जाएगा। I'm gonna use purple maybe. तो तब मेरे सिस्टम में ये भी इंक्लूड हो जाएगा जब मेरे पास यहाँ भी एयर आ जाएगी। ठीक है, अब मेरे पास एनर्जी इक्वेशन इज पार्शियल क्यू माइनस पार्शियल डब्ल्यू इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब मेरे सिस्टम ने कोई हीट इन ली है, नहीं, ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि वाटर का टेम्परेचर सेम रहा है। अगर ये हीट इन लेगा या आउट देगा तो वाटर का टेम्परेचर चेंज होगा और ये थर्मोमीटर हमें बता देगा, थर्मोमीटर ने सेम टेम्परेचर शो किया, जिसका मतलब है देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट। अगेन यहाँ पे हमें पता है वैक्यूम है, देयर इज नो वर्क बींग डन, तो जो इंटरनल एनर्जी है एयर की वो भी जीरो, देयर इज नो चेंज इंटरनल एनर्जी। तो जो इंटरनल एनर्जी यहाँ है वही जब ये एक्सपेंड होकर यहाँ आ चुका है तब है, पर हमें पता है ये पी वन और वी वन जो था उसकी एक वैल्यू थी और पी टू और वी टू, जबकि ये एयर ने ये भी फ्लास्क और ये फ्लास्क भी ऑक्यूपाई कर लिया, तो अब हमें पता है वी टू इज ग्रेटर देन वी वन एंड पी वन वॉज ग्रेटर देन पी टू। जब ये इधर एक्सपेंड करेगा तो हमें पता है प्रेशर कम होगा एज पर आइडियल गैस लॉ। तो स्टेट वन और टू का ना प्रेशर सेम है ना वॉल्यूम सेम है, पर यू वन इज इक्वल टू यू टू, तो क्या चीज़ सेम है, टी वन इज इक्वल टू टी टू, क्यों, क्योंकि अगेन टी वन टी टू चेंज ना होता तो उस टेम्परेचर को इक्वलाइज करने के लिए वाटर से वो हीट लेता। अब इनिशियली वाटर
और इसका टेम्परेचर सेम है, ठीक है, दिस इज़ टी वन एंड देन दिस टी वन। जब ये एक्सपेंड होकर टोटल टी टू हो जाता और अगर टी वन और टी टू सेम ना होते तो यहाँ से हीट यहाँ फ्लो करती, ये टेम्परेचर कम होता और थर्मोमीटर हमें वो शो करता, पर ऐसा नहीं हुआ। हैंस टी वन इज इक्वल टू टी टू एंड यू वन इज इक्वल टू यू टू। इसकी बेसिस पे जूल ने डिड्यूस किया कि इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, नॉट प्रेशर एंड नॉट वॉल्यूम। अगेन दिस इज ट्रू फॉर आइडियल गैस, इन रियलिटी दिस इज नॉट द केस। सिंस डी यू इज इक्वल टू सी वी डी टी एंड यू इज अ फंक्शन ऑफ टी, दिस इंप्लाइज दैट सी वी इज एट मैक्स ऑल्सो ओनली अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर फॉर एन आइडियल गैस। ये भी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, ठीक है, जो हमारे पास डी यू है। अगेन डी टी इट सेल्फ इज टेम्परेचर, तो सी वी कैन ओनली बी अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। आइदर इट कैन बी अ कॉन्स्टेंट, कि टेम्परेचर का फंक्शन भी ना होता, और अगर ये फंक्शन है किसी चीज़ का तो वो सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन हो सकता है। विद एक्सपेरिमेंट्स वी फाउंड कि डिफरेंट टेम्परेचर्स पे सी वी डिफरेंट वैल्यू शो करता है, सो दिस शोज के सी वी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, सो वी गेट दिस। ऑल्सो एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, पी वी इज इक्वल टू आर टी फॉर आइडियल गैस, यू प्लस आर टी दिस इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। सो एच इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, क्योंकि दिस इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, आर इज अ कॉन्स्टेंट फॉर अ गिवन गैस, टेम्परेचर इज अगेन टेम्परेचर, तो एच इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। देन एच इज इक्वल टू सी पी टी, दिस इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, एच टी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, सो सी पी इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। अगेन ये हो सकता था कि सी पी टेम्परेचर का फंक्शन भी ना होता, दिस मेक्स श्योर कि सी पी ना प्रेशर का फंक्शन है ना वॉल्यूम का फंक्शन है। इसका ये मतलब भी हो सकता था कि वो टेम्परेचर का फंक्शन भी नहीं है, बट एक्सपेरिमेंट्स थ्रू एक्सपेरिमेंट्स वी सॉ कि डिफरेंट टेम्परेचर पे सी पी की वैल्यू डिफरेंट आती है, इवन फॉर एन आइडियल गैस, हेंस सी पी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। डिपेंडेंस ऑफ सी पी एंड सी वी ऑन टेम्परेचर, ठीक है। तो हमें पता था कि जो है डी यू इज इक्वल टू सी वी टी डेल्टा टी, वी कैन फाइंड यू बाई इंटीग्रेशन। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो मेरे पास टोटल जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो आ जाएगा, लेकिन उसके लिए आई नीड टू नो सम इंफॉर्मेशन, एंड दैट इंफॉर्मेशन इज के सी वी जो टी का फंक्शन है वो फंक्शन क्या है, मुझे वो फंक्शन पता होना चाहिए तभी मैं इसको टी से इंटीग्रेट कर सकता हूँ। सेम इज द केस फॉर दिस इक्वेशन एज वेल, यूजिंग वैल्यूज ऑफ सी वी एंड सी पी। तो अब इसको इंटीग्रेशन को मैं किस वो फंक्शन मुझे कैसे मिल सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल बाय यूजिंग द टेबुलेटेड डेटा फॉर यू एंड एच। एयर के लिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग सी वी इज इक्वल टू सी वी डेल्टा टी एंड यूजिंग h इज इक्वल टू सी पी डेल्टा टी, मैं डायरेक्टली u और h की वैल्यूज पढ़ सकता हूँ फ्रॉम अ टेबल विच इज asymptotic। जिस तरह मेरे पास स्टीम टेबल था फॉर वाटर, आई हैव एयर टेबल्स फॉर एयर। दिस इज द ईजिएस्ट एंड मोस्ट एक्यूरेट वे व्हेन द टेबल्स आर रेडिली अवेलेबल, ठीक है। अगर मेरे पास टेबल है तो ये मुझे सबसे एक्यूरेट आंसर देगा, क्यों, क्योंकि अदरवाइज मुझे सी वी और सी पी का एग्जैक्ट फंक्शन जो है टेम्परेचर का वो डालना पड़ेगा और उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है, इससे मैं सही आंसर तो निकाल सकता हूँ पर मुझे काफ़ी टाइम लगेगा। यही प्रोसेस होके टेबल बने हुए हैं, A17 जो टेबल है इट इज़ नॉट एक्सपेरिमेंटली मेड, ये एक्सपेरिमेंट्स कैसे नहीं बना हुआ, ये इसी तरह बना हुआ है कि हमने सी वी एज अ फंक्शन ऑफ टी डाला और उसको इंटीग्रेट कर दिया। रेफरेंस टेम्परेचर इज जीरो केल्विन नॉट जीरो डिग्री सेंटीग्रेड, हमने देखा था स्टीम टेबल में जो हमारे पास रेफरेंस टेम्परेचर था वो जीरो डिग्री सेंटीग्रेड था, जबकि जिस पे मेरे पास इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी वो अप्रॉक्सीमेटली जीरो, बट फॉर एयर टेबल द रेफरेंस टेम्परेचर इज जीरो डिग्री सेंटीग्रेड एंड एच इज इक्वल टू जीरो एट जीरो केल्विन, ठीक है। अब मैं आपको टेबल A17 दिखा देता हूँ।
मैंने आप लोगों से शेयर किए हैं जिसमें सारे टेबल्स हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं A1 मुझे क्या बताता है, A2 मुझे क्या बताता है, A3 मुझे क्या बताता है, इन्हें वन बाई वन हम देखेंगे भी सारे। तो A17 इज़ माई आइडियल गैस प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर। अगर एयर को मैं एज एन आइडियल गैस ट्रीट करूँ तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, एंड एयर को आइडियल गैस ट्रीट करना इज़ करेक्ट इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है। एयर ऑलरेडी इतना सुपर हीटेड हमारे पास है कि हम उसको एज एन आइडियल गैस ट्रीट कर सकते हैं जनरली। ये मेरे पास आ गया एयर, आप देख सकते हैं किसी भी टेम्परेचर पे मेरे पास इसकी एंथैल्पी गिवन है, ठीक है। सिमिलरली मेरे पास इंटरनल एनर्जी भी गिवन है। अब एक डिफरेंस देखिए कि यहां पे जो है ना मेरे पास एक ही पैरामीटर है, एक ही स्टेट वेरिएबल है टेम्परेचर, और मुझे एंथैल्पी पता चल जाती है और इंटरनल एनर्जी भी पता चल जाती है। मुझे ना प्रेशर की ज़रूरत है ना वॉल्यूम की ज़रूरत है, क्यों, जबकि हमें पता चला था कि हमें दो स्टेट वेरिएबल्स चाहिए होते हैं स्टेट को फिक्स करने के लिए, ठीक है। तो द थिंग इज कि इस केस में एयर जो है उसको हम आइडियल गैस ट्रीट कर रहे हैं, और हमने जिस तरह देखा था कि आइडियल गैस के लिए enthalpy and internal energy as are a function of temperature only. There are other properties like यहाँ पे relative pressure है, pressure नहीं है, क्यों, क्योंकि सिर्फ pressure मैंने find नहीं कर सकता मैं based on temperature, मुझे volume भी चाहिए। ये relative volume है, ये volume नहीं है। Similarly ये S not है, ये entropy नहीं है, क्योंकि आगे हम देखेंगे thermo 2 में ही basically देखेंगे शायद कि एंट्रोपी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, वो वॉल्यूम या प्रेशर भी हमें पता होना चाहिए। बट फॉर नाउ हमें सिर्फ एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी देखनी है, और ये जो दोनों क्वांटिटीज़ हैं ये सिर्फ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है फॉर एन आइडियल गैस, तो इस वजह से हम सिर्फ टेम्परेचर अगेंस्ट वैल्यू देख सकते हैं। सीपी जो है ना वो रफली 1 है एट रूम टेम्परेचर, तो आप देख सकते हैं कि इनिशियली 200 केल्विन पे जो एंथैल्पी है वो रफली 200 ही है, क्योंकि सी पी इज 1 अगर उसे किलो जूल्स में लें हम। बट ऐसा ऐसा आप देखेंगे कि वो जो डिफरेंस है वो बढ़ता जा रहा है। लेट से 800 केल्विन पे जो एंथैल्पी है वो 800 किलो जूल पर केजी नहीं है, वो 821 है। 380 पे भी देखें, 380 थी रफली, 620 पे 628, तो आप देख सकते हैं कि मेजरली 500 के बियॉन्ड ज़्यादा फर्क आने लग जाता है शायद, ठीक है। और जिस तरह टेम्परेचर बढ़ता जाता है ये वेरिएशन ज़्यादा होती जाती है, ठीक है। अगर 1100 पे मैं 1100 नहीं ले सकता, 1161 इट्स अ रीजनेबल डिफरेंस, तो वेरी हाई टेम्परेचर्स पे मुझे सीपी की डिफरेंट वैल्यू को काउंटर में अकाउंट में लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरा एयर टेबल हो गया, विच इज द बेस्ट अप्रोच। बाय यूजिंग सी पी एंड सी वी रिलेशन एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, टेबल ए टू सी हम देखेंगे एंड परफॉर्मिंग द इंटीग्रेशन। दिस इज वेरी इनकन्वीनियंट फॉर हैंड कैलकुलेशन बट क्वाइट डिजायरेबल फॉर कंप्यूटराइज कैलकुलेशन, द रिजल्ट रिजल्ट ऑब्टेन्ड आर वेरी एक्यूरेट। टेबल अब हम देखेंगे ए टू सी, ए टू ए, ठीक है। आप देख सकते हैं सी पी सी पी गिवन है एट रूम टेम्परेचर्स, ए टू बी, ए टू सी। ए टू सी में क्या है, सी पी इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल एक हमारे पास इक्वेशन है जिसमें ए बी सी डी कॉन्स्टेंट्स हैं, जो कि हर जो हमारे पास है गैस उसका डिफरेंट है ए बी सी डी की वैल्यू, ठीक है। इस टेम्परेचर रेंज में ये इक्वेशन वैलिड है और मैक्सिमम एंड एवरेज एरर भी उसने आपको बता दिया। तो एयर के लिए लेट्स सपोज मैं इक्वेशन बना लेता हूँ, ए की वैल्यू ये डाल दी, बी की ये डाल दी, सी की ये डाल दी, डी की ये डाल दी, इसको मैं इंटीग्रेट करूँ, उसकी लिमिट्स पुट करूँ और फाइंड करूँ
तो आप देख सकते हैं ये बड़ा ही एक्यूरेट बट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कंप्यूटर में मैं इंटीग्रेशन काफ़ी क्विकली कर सकता हूँ, बट स्टिल अगर मेरे पास एयर टेबल होगा तो आप देख सकते हैं कि एयर टेबल यूज़ करना इज़ बेटर विद रिस्पेक्ट टू ईज़ ऑफ यूज़ मेनली। एरर वाइज दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, दोनों अप्रोचेस काफ़ी एक्यूरेट हैं। वट इज़ द थर्ड अप्रोच? बाई यूजिंग एवरेज स्पेसिफिक हीट टेबल ए टू बी। अभी हम ये देखेंगे। दिस इज़ वेरी सिंपल एंड सर्टनली वेरी कन्वीनियंट वेन प्रॉपर्टी टेबल्स आर नॉट गिवन। द रिजल्ट ऑब्टेन आर रीजनेबली एक्यूरेट इफ द टेम्परेचर इंटरवल इज़ नॉट वेरी लार्ज। लेट से मेरे पास कंप्यूटर भी नहीं है, मैं ये भी नहीं कर सकता, सॉरी मेरे पास प्रॉपर्टी टेबल्स भी नहीं है। दिस इज़ द केस मेनली जब मेरे पास वर्किंग फ्लूइड एयर ना हो। एयर होगा तो प्रॉपर्टी टेबल मिल ही जाते हैं, लेकिन लेट्स से मेरे पास प्रॉपर्टी टेबल नहीं है तो हम टेबल ए टू बी कर सकते हैं चेक। वो कैसे यूज़ करना है? टेबल ए टू बी में क्या है कि डिफरेंट टेम्परेचर पे हम एयर ही देख लेते हैं। वैसे में कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन भी है, बट हम एयर पे अपना फोकस रखते हैं क्योंकि हमारा जो मोस्ट कॉमन वर्किंग फ्लूइड है दैट इज़ एयर। 250 पे सी पी एंड सी वी गिवन है, एंड के हम बाद में देखेंगे। 500 पे भी गिवन है, 1000 पे भी गिवन है। तो हम ये करते हैं, लेट्स से मेरा प्रोसेस स्टार्ट होता है 250 पे और एंड होता है 450 पे। तो मैं 250 और 450 पे जो वैल्यूज़ हैं उनको मैं वो कर लूँगा, उसकी एवरेज ले लूँगा, ठीक है, और एक कांस्टेंट सीपी प्रोसेस बना लूँगा और जो एवरेज वैल्यू होगी वो इन दोनों की एवरेज होगी। तो मुझे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि मैं इसकी जब एवरेज एक कांस्टेंट वैल्यू ले लूँगा तो ये इंटेग्रल से बाहर आ जाएगा और सिंपल मैं टाइम के दौरान से इंटीग्रेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो थर्ड अप्रोच में ये है कि उन दो स्टेट्स में जो भी सीपी की वैल्यू है वो मैं ए टेबल ए टू बी से पढूं और उनकी एवरेज ले लूं। ये कब हमें फ़ायदा देगा? जब इंटरवल इज़ नॉट वेरी लार्ज। अगर तो मेरे पास इंटरवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेट्स से इट इज़ 500+ डिग्री, और इंजन में ऐसे ही होता है, इंजन में एयर रूम टेम्परेचर पे आती है और वो कम्बस्ट होके इट इज़ अबव 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो टेम्परेचर रेंज इतनी ज़्यादा है कि उसमें ये अप्रोच हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगी। लेकिन लेट्स से मेरे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज होता है, तो उसके लिए मैं ये यूज़ कर सकता हूँ अप्रोच, ठीक है। ये भी एक दफ़ा बल्कि मैं आप देख लेते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड में 250 से 350 के दरमियान आप देख सकते हैं सीपी और में जो चेंज है वो बहुत कम है सीवी में भी, बट ये मैं 250 और 1000 में देखूं तो आप देख सकते हैं ये चेंज काफ़ी ज़्यादा है। जब ये 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो इसमें काफ़ी डिफरेंस आ जाएगा। क्लैरिफिकेशन, नोट दैट डी यू एंड डी एच रिलेशन गिव वन प्रीवियसली आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू एनी काइंड ऑफ प्रोसेस। जिस तरह हमने बात की थी, दे आर वैलिड फॉर ऑल प्रोसेसेस। अगर सी वी किसी इक्वेजन में आ रहा है उसका ये मतलब नहीं है कि इक्वेजन सिर्फ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के लिए यूज हो सकती है, ठीक है, वो एक जनरलाइज इक्वेजन है। ऑन द कॉन्ट्रेरी द रिलेशन डी यू सी वी डी टी इज वैलिड फॉर एनी आइडियल गैस अंडर गोइंग एनी प्रोसेस। ये एक जनरलाइज इक्वेजन है। मैं आपको आगे इसके बताऊंगा कि कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के लिए कौन सी इक्वेजन वैलिड है, लेकिन सबसे पहले हम ये समझें ये जनरलाइज क्यों है। इट्स अ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, इट्स एनी अदर प्रोसेस, लेट से इट्स अ कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस। इसमें मैंने हीट दी, टेम्परेचर 20 से 30 हुआ, इंटरनल एनर्जी कितनी चेंज हुई? 7.18, विच इज गिवन बाय डेल्टा यू इज इक्वल टू सी वी डेल्टा टी। अब ये कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, मैंने हीट दी, इसमें टेम्परेचर भी चेंज हुआ और एक्सपेंड भी की गैस एयर। इंटरनल एनर्जी इसमें कितनी चेंज हुई? इसमें भी इंटरनल एनर्जी जो चेंज हुई है वो सी वी डेल्टा टी हुई है, 7.18, विच इज़ सिमिलर टू दिस वैल्यू। हेंस हम देख सकते हैं कि जो ये इक्वेशन है ये किसी भी केस में वैलिड है। हर केस में क्या वैलिड नहीं है वो ये इक्वेशन है। सी पी के लिए भी इसी तरह है कि वो भी किसी केस में वैलिड है, डी एच इक्वल टू सी पी डेल्टा। हर केस में वैलिड ये नहीं है,
इसमें मेरे पास क्यू क्या थी, सी वी डेल्टा टी, ठीक है। इस केस में क्यू क्या है, सी वी डेल्टा टी नहीं है, वो तो सिर्फ इंटरनल एनर्जी को चेंज किया है, इसको एक्सपेंड करने के लिए, वर्क करने के लिए भी तो हमने एनर्जी दी है हीट की फॉर्म में, तो वो अकाउंट में क्या चीज़ लेती है, सी पी डी टी। तो क्यू इज इक्वल टू सी पी डी टी इज़ वैलिड फॉर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस ओनली, एंड हीट इज इक्वल टू सी पी डेल्टा टी इज़ वैलिड फॉर कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस ओनली। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू सी पी डेल्टा टी इज़ वैलिड फॉर एनी प्रोसेस, चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू सी पी डेल्टा टी इज़ वैलिड फॉर एनी प्रोसेस व्हेन आवर वर्किंग फ्लूइड इज आइडियल गैस, ठीक है। लिक्विड और सॉलिड के केस में ये चीज़ चेंज हो सकती है, पर जब तक हम आइडियल गैस से डील कर रहे हैं तो दिस इज़ वैलिड एंड अगेन एंथैल्पी, बट दिस वी नीड टू बी वेरी केयरफुल जब हम हीट को डिटरमिन करना चाहते हैं यूजिंग सी वी एंड सी पी। स्पेसिफिक हीट रेशियो पर एक होती है, फॉर आइडियल गैस एच इक्वल टू यू प्लस आर टी, डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू डी यू बाई डी टी, और ये हमने टी को टी से कैंसिल कर दिया। इसको हम सी पी कहते हैं, इसको सी वी कहते हैं, और प्लस आर, ठीक है। तो एक हमारे पास इक्वेशन आ गया सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर, फिर स्पेसिफिक हीट रेशियो इज सिंपली डिफाइंड एज सी पी बाय सी वी, ठीक है। दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, इसकी बेसिस पे हम डिड्यूस करते हैं कि स्पेसिफिक हीट रेशियो इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। और अगर हम अपना टेबल देखें, ए टू देख लें फॉर एग्जाम्पल, इसमें हम देख सकते हैं कि जो स्पेसिफिक हीट रेशियो है वो भी एट डिफरेंट टेम्परेचर डिफरेंट वैल्यू दे रहे हैं। तो जो सी पी और सी टी है ना, वो टेम्परेचर के साथ कह लो सिमिलरली वेरी नहीं कर रहे, इनकी वेरिएशन में डिफरेंस है। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं, बट लेट मी फर्स्ट चेक के ये लेक्चर कितने टाइम का हो गया, 42 मिनट्स। सो आई एम गोना स्टॉप दिस लेक्चर हियर, और आज मंडे को क्योंकि हमारे दो लेक्चर होते हैं तो मैं एक सेपरेट लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा। तो दिस लेक्चर्स एंड हियर।